लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया मदद मांगने और पहुंचाने दोनों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हो रहा है। ताजा मामला पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से जुड़ा है। एक छात्रा पर उसके मकान मालिक किराया देने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद उसने बीजेपी नेता अतुल कुमार को टैग करते हुए लिखा, सर हम लोग 9 लड़कियां लॉकडाउन में लॉज में फंसे हुए हैं। रूम ओनर डेली रेंट के लिए टॉर्चर कर रही है या फिर रूम खाली करने के लिए फोर्स कर रही है। जिसके बाद कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए रविशंकर प्रसाद को इस ट्वीट पर टैग किया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद के ऑफिस से महिला को एक व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी साझा करने को कहा गया। उस ट्वीट में लिखा है कि कृपया क्या आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हैं? उस व्हाट्सएप का नंबर है 07011975458। जिसके बाद कुछ ही घंटों में लड़कियों के मकान मालिक से बात करके उनकी मुश्किल सुलझा ली गई, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि ये मामला सुलझा लिया गया है। कुछ ही देर में इन लड़कियों की परेशानी का हल होने के बाद इन लड़कियों ने भी केंद्रीय मंत्री के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए लिखा, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद भले ही बिहार में नहीं है, लेकिन वो लगातार बिहार के लोगों की मदद कर रहे हैं, जो सराहनीय है। अन्य नेताओं को भी जितना बन सके उतनी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।